अब हम बात करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट का क्या कॉन्सेप्ट है। इसे हम क्या होते हैं बिलोंग्स टू, और इसे क्या बोलते हैं सबसेट, सबसेट। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया, सबसेट क्या होता है, पार्ट ऑफ सेट। बिलोंग्स टू मतलब कि वह उसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब उसमें प्रेजेंट है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए ले लिया हमने, ए बी सी डी ई, और इधर एक सेट ले लें ए बी सी डी ई। तो यहां हम पहले इससे बात करते हैं, तो हम इसे लिख रहेगे ए बिलोंग्स टू बी, सॉरी सेट ए, ए सेट ए में प्रेजेंट है, बी भी क्या है सेट ए में प्रेजेंट है, सी भी सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है, डी भी सेट ए में बिलोंग्स है, ई भी सेट ए में बिलोंग्स है। इसे आल्सो बोलते हैं कि अगर इसी एलिमेंट को हम इन कर्ली ब्रेसेस लिख लें, तो ये क्या हो जाएगा सबसेट ऑफ ए। बी क्या हो जाएगा हमारा सबसेट ऑफ ए, सी क्या हो जाएगा सबसेट ऑफ ए, डी क्या हो जाएगा सबसेट ऑफ ए, ई क्या हो जाएगा सबसेट ऑफ ए। ठीक, तो ये हुआ बिलोंग्स और ये हुआ सबसेट। बिलोंग्स मीन्स उस, इसका मतलब कि एलिमेंट ए सेट ए में प्रेजेंट है। अगर इसी एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिख दें तो ये एक सेट हो जाता है। मतलब कहने का कि ये क्या है हमारा एक एलिमेंट है, और ये क्या है एक सेट है, सेट है ये एलिमेंट। ठीक, अब हम इस पे बात करते हैं, कुछ हम लिखने जा रहे हैं सही है गलत है पहले फिर लिख ले फिर बात करें। ए बिलोंग, बी बिलोंग्स टू सेट ए, सी बिलोंग्स टू ए, डी बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो होता है वो एलिमेंट होता है। तो ए इसके अंदर ये सही है, बी बिलोंग्स टू ए बी भी सही है, सी बिलोंग्स टू ए ये गलत है, डी बिलोंग्स टू ए गलत है। क्यों? क्योंकि सी और डी तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। यहाँ सी और डी दिख रहा है अलग बात है, लेकिन ये सी और डी इसमें एलिमेंट नहीं है। इसमें एलिमेंट क्या है सेट के अंदर ये है, तो सेट के अंदर जितने भी होते हैं वो एलिमेंट होते हैं। तो सी डी ये बिलोंग्स टू ए, क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है सेट ए का। ये सी और डी उसके तत्व नहीं है। तो इसके सबसेट की अगर हम बात करते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए, बी इज मतलब एलिमेंट बी इज सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। फिर ये एक से एलिमेंट है तो इसको हम लिखेंगे, एलिमेंट हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहता है, तो ये सी डी ये एलिमेंट हो गया, इसको इन द कर्ली ब्रेसेस हम लगा दे तो ये क्या हो जाएगा एक एलिमेंट हो जाएगा ये सेट ऑफ ए। तो यहां से देख रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट बस वैसे है तो बिलोंग्स करता है, यदि वही वही एलिमेंट इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हो तो वो सेट है। मतलब कर्ली ब्रेसेस में तो सेट होगा, वैसे रहेगा तो एलिमेंट होगा। सो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट। अब हम फर्दर इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो
Please pause the video and note it down. यहाँ पर हमारा दो क्वेश्चन है. पहला है कि इफ सेट ऑफ ए इनर है देन फाइंड पावर सेट. तो पावर सेट क्या था कि किसी भी सेट के सबसेट को का सेट. तो पहले हम सबसेट ऑफ इसका सबसेट निकालेंगे. सॉल्यूशन सबसेट ऑफ ए, ए का सबसेट क्या हो जाएगा. एक एलिमेंट इसका थ्री है, फिर एक एलिमेंट है वन फोर. ये ऐसे अगर हम लिखेंगे तो एक एलिमेंट हो जाएगा. हम लिख क्या रहे हैं सबसेट, तो सबसेट के लिए इसको हम सेट लिखेंगे. फिर थ्री को इसके साथ ले लें, फिर एक तो फाइव इसका सबसेट हुआ. अब इस सबसेट के सेट को द पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा. पावर सेट ऑफ ए इज इसका सेट, तो फाइव थ्री, तो ये एक एलिमेंट है हमारा. ये तो ये हो गया. अब इसको हम सेट को पूरा बांध लें, तो ये हमारा हो जाएगा पावर सेट. पावर सेट मतलब किसी भी सेट के सब सेट को. किसी भी सेट के सबसेट को क्या कहते हैं, पावर सबसेट. फिर ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट के लिए इसमें कितने वर्ड होंगे इसको पहले हम देखेंगे. तो इसको मानते हैं सेट ऑफ ए. तो सेट ए में जो रिपीट होते हैं तो उसको हम नहीं लिखते हैं, तो हम एक एक वर्ड को ऑनली लिखते हैं. तो ये हो जाएगा, इसको हम एक्स मान लेते हैं क्योंकि ये यहाँ है, ए एल ए बी है, एच बी डी. तो यहां हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ जाएगा फाइव. तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, ये एन बराबर है, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू टू पावर एन बराबर टू पावर मीन्स 32. तो लगभग एक्सरसाइज 1.3 में इसी तरह सवाल लगेंगे. सो अब आगे हम बात करते हैं कि रियल नंबर का सबसेट का इंटरवल क्या होता है. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अब हम आगे बात करेंगे इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर के सबसेट का इंटरवल क्या होगा वो बात करेंगे. तो जैसे रियल नंबर को हम संख्या रेखा पर इस तरह दर्शाते हैं, मान लीजिए जीरो इधर नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू होती है. तो अगर हमें दर्शाना फाइव माइनस फाइव से प्लस टू तक, तो मान लीजिए यहाँ माइनस फाइव और यहाँ प्लस टू, तो ये जो लाइन होगी ये हमें इसका रिप्रेजेंटेशन होगी. तो इसी तरह हमें सब रियल नंबर के सबसेट का इंटरवल दिखाना है. तो पहला हम बात करें क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल क्या होता है, तो जैसे एक एग्जांपल से लेते हैं इसको. एक सेट ए ले लें, एक्स सच डेट एक्स, एक्स एक एक्स का एक्स सच डेट एक्स कहां से कहां तक, ये
x greater than equal to 4, sorry, x की वैल्यू जो है वो 4 से बड़ा है और 6 और 6 से छोटा है, तो इसको अब हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन इसको हम खींच लेते हैं, ये हो गया मान लीजिए हमारा 0, तो बोला 4 से बड़ा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 4 है, 6 हो गया। तो ये बोल रहा है कि 4 से बड़ा, 4 और 4 से बड़ा मतलब 4 को भी हम लेंगे, 6 और 6 से छोटा 6 को भी लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल, मतलब इसमें क्लोज इंटरवल में जो होता है उसे जिसको हमें लेना आता है उसे क्लोज डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसको इस तरह से। इसका मतलब कि जो एंड पॉइंट है उसको भी हम लेते हैं। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, डिनोट इसका नोटेशन, क्लोज इंटरवल हमेशा सॉरी बंद आकृति के आकार के रहेगा, मतलब ये बड़े ब्रैकेट के समान होता है। इसका मतलब 4 और 6, तो इसका मतलब क्या है, मीन्स एंड पॉइंट इंक्लूडेड होता है, मीन्स एंड पॉइंट इंक्लूडेड होता है, इन पॉइंट को भी हम लेते हैं। तो ये क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल को मतलब किसी भी संख्या को अगर क्लोज इंटरवल पर दर्शाना हो तो हमेशा डॉट से यूज करते हैं। सेकेंड है हमारा क्लोज हो गया, सेकेंड ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल से हम एक्स सच दैट एक्स, तो x जो है ये 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो इसको दर्शाने के लिए ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 6, तो कह रहा है 4 से बड़ा है, तो ओपन के लिए हम 4 वाले को इस तरह ओपन करते हैं, 6 वाले, ये हो गया इस तरह से, मतलब ओपन को हमेशा ओपन करके योगा ओपन। इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, इसको डिनोट हम कैसे करते हैं, इस तरह से, मतलब ये 4 6, इसका मतलब क्या है कि ये हम एंड पॉइंट को नहीं लेते हैं, मीन्स एंड पॉइंट इज एक्सक्लूडेड, यहाँ पर एंड पर इंक्लूडेड रहता है, यहाँ पर एक्सक्लूडेड, मतलब एंड पॉइंट नॉट टेकन, एंड पॉइंट नॉट टेकन, और वहां पर क्या होता है एंड पॉइंट टेकन, एंड पॉइंट टेकन। तो ये तो हो गया क्लोज्ड और ओपन। तो क्लोज्ड और ओपन को हम इस तरह भी डिनोट करते हैं या फिर क्लोज्ड का उल्टा, मतलब इसको ओपन को या तो इस तरह डिनोट करते हैं या फिर इस तरह, मतलब इसी संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 6, या मतलब दोनों का एक ही है कि 4 और 6 को नहीं लेंगे, उसके बीच वाली संख्या को लेंगे। तो ये हो गया क्लोज और ओपन। अब हम आगे बात करेंगे क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। सो ये पहले आप लोग नोट कर लीजिए फिर उसको बताते हैं। अब थर्ड है हमारा ओपन क्लोज इंटरवल,
open, closed, internal. Open, closed, internal मतलब कि एक open रहेगा, दूसरा closed रहेगा. तो इसको दर्शाने इसको हम कैसे लिखेंगे? ये मान लीजिए हम एक ले लेते हैं x such that x open, वो x क्या है 4 से बड़ा है और closed मतलब किसमें x जो है 4 से बड़ा है और 6 और 6 से छोटा है तो इसको हम लिखेंगे और ये x क्या होता है for all real number x for इसको होता है for all real number real number तो ये संख्या रेखा पर हो जाएगा मान लीजिए 0 1 2 3 4 5, 6. तो 4 क्या है? Open है. 6 क्या है? Closed है. तो इसको इस तरह से दर्शाते हैं. इसका notation हो जाएगा. Open के लिए हम क्या करते हैं? बुलाते हैं. Closed. या ये हो ओपन क्लोज्ड या फिर इस ओपन को हम इस तरह भी लिखते हैं तो इसमें अगर हम इस तरह लिखेंगे इसको 4 6 तो इसका मतलब है 4 को नहीं लेना है 4 को नहीं लेना 6 को लेना है अब बात हुई है ओपन क्लोज हो गया अब क्लोज्ड ओपन इंटरवल क्लोज्ड ओपन इंटरवल तो जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा क्लोज्ड ओपन इंटरवल तो जैसे हम ले लें ए लेके चलें तो ए ले लें इसको x such that x closed है और ये open है ये x जो है for all real number तो इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए मान लीजिए ये 0 हो गया ये 1 2 3 4 5 6 4 पे क्या है क्लोज्ड है क्लोज्ड 6 पे क्या है ओपन है मतलब इसको इस तरह से जो क्लोज रहता है उसको इस तरह से ओपन को इस तरह से इसका नोटेशन हो जाएगा इसको हम कैसे नोटेस करें अब ये 4 पे क्या है क्लोज्ड है तो क्लोज्ड का मतलब इस तरह से होता है ये हो जाएगा क्लोज्ड और ओपन है ओपन को इस तरह से या फिर ये तो क्लोज्ड हो गया ओपन को इस तरह से नहीं लिख सकते हैं मतलब इसमें अगर हम इसको लिखें 4 6 तो इसका मतलब हो जाएगा 4 आर टेकन 4 इज टेकन एंड 6 इज नॉट टेकन ये तो हो गया हमारा इंटरवल ऑफ रियल नंबर के सबसेट का तो सो अब हम आगे बात करेंगे कि सेट के ऑपरेशन क्या होते हैं मतलब जैसे संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग है तो उसी प्रकार सेट का भी कुछ ऑपरेशन होता है तो उसमें हमें पढ़ना है यूनियन इंटरैक्शन सॉरी इंटरसेक्शन और डिफरेंशिएशन सो ये आगे हम बात करेंगे प्लीज पॉज द वीडियो नोट डाउन